अब्दुल अलीम खान अपने कायद इमरान खान और उस्मान बुज़दार के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं इमरान खान के साथ जो भी है वो अच्छा है, जो नहीं है वो गद्दार है। पार्टी का हर रहनुमा बुज़दार के खिलाफ था। परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाना था तो 26 साल जद्दोजहद करने की क्या ज़रूरत थी। इमरान खान से कहता हूँ मेरी करप्शन कम के सामने लाई जाए। उस्मान बुज़दार दौर में 3-3 करोड़ रुपए लेकर DC लगाए जाते रहे। इमरान खान हिम्मत करें, तारिक बशीर चीमा को भी गद्दार करार दें। पूरी कौम ने देखा कि आप अददी अक्सरियत खो चुके हैं। उस्मान बुज़दार के एजाज़ में अलविदाई तकरीब, CM ऑफिस, पुलिस और इंतजामी अफसरान की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने उस्मान बुज़दार की खिदमत को सराहा। उस्मान बुज़दार बोले, इंसान हूँ, गलती हो सकती है, मुश्किल फैसलों से नहीं घबराया, लोगों को इज्जत दी, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं किया, खामोशी से काम करने का आदी हूँ। April को एमरजेंसी या गवर्नर राज नाफिज किए जाने का खदशा है। पार्लियामेंट में खुद साख्ता कार्रवाई के जरिए आइन तोड़ा गया। इमरान खान के तहत किसी इलेक्शन अमल में नहीं जा सकते। इंतखाबी इस्लाहात आजाद इलेक्शन कमीशन चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेट्रो बस की नौकरी से बरतरफ सफाई वर्कर्स के मुतालबात पूरे ना हुए। सफाई वर्कर्स का लोहार वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ छठे रोज भी एहतजाज। हाथों में प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की। LDA के अफसरान और मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, एक हफ्ते में 2 छुट्टियों की मंजूरी दे दी गई। LDA के दफातर हफ्ते में 6 दिन के बजाय 5 दिन खुले रहेंगे। एक हफ्ते में 2 छुट्टियों की मंजूरी 3 माह के लिए दी गई है।